आ गए दोस्तों आपके सामने फिर से एक बार आपकी जो रिक्वेस्ट है वो पूरा करने के लिए। जी हाँ, आज मैं बताने वाला हूँ स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स प्रोफेशनल्स जिनको एक लैपटॉप चाहिए 50,000 रुपए के नीचे। देखिए हम एक्चुअली अंडर 35,000 का वीडियो करने वाले थे, लेकिन एक बात कहूँ, अगर मैं आपको कोई भी प्रोडक्ट रिकमेंड करता हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि भाई जब आप लेते हो यू शुड बी सैटिस्फाइड विद इट। और जितने भी लैपटॉप्स हमने 30-35,000 की प्राइस रेंज में देखे, आई डोंट थिंक दे आर समथिंग जो आप 3-4-5 साल तक इस्तेमाल कर पाओगे, और इसीलिए हमने बजट बढ़ाया। आपको भी अगर लेना है, आपका बजट थोड़ा टाइट है, तो थोड़ा एक्सटेंड कीजिए, अराउंड 45-50,000 कीजिए, बहुत अच्छे लैपटॉप मिलेंगे जो आपको 3-4-5 साल भी आप इस्तेमाल कर पाओगे ही नहीं। जी हाँ, सो बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 50,000 कौन से, तो ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए, 5 लैपटॉप्स बताने वाला हूं आपको। वैसे बेसिक क्राइटेरिया जो हमने रखा हुआ है, कम से कम 12th जनरेशन का i5 इंटेल कोर प्रोसेसर होना चाहिए, कम से कम 8GB रैम होनी चाहिए, कम से 512GB SSD होनी चाहिए। अगर 14 इंच है कॉम्पैक्ट चाहिए तो 14 इंच डिस्प्ले के पास दे सकते हो, या फिर बड़ा डिस्प्ले चाहिए तो 15.6 के पास देख सकते हो। दोनों ही लैपटॉप में आपको बताने वाला हूं। बैटरी में कम से कम 5-6 घंटे बैटरी लाइफ होनी चाहिए, और हाँ, वेबकैम, जूम मीटिंग्स, गूगल मीट ये सब करते हैं तो कम से कम 720p का वेबकैम होना चाहिए। लेट अस स्टार्ट। वैसे आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत सारे ऐसे वीडियो करते हैं जिसकी वजह से आपके पैसे बचेंगे एंड यू विल बाय द राइट प्रोडक्ट, इसीलिए सब्सक्राइब कीजिए, और आपके दोस्त, फैमिली, फ्रेंड्स होंगे उनके साथ शेयर करना मत भूलिए जो लैपटॉप या स्मार्टफोन्स खरीदने वाले हैं, सो दैट दे कैन मेक द राइट डिसीजन। चलिए लेट्स स्टार्ट। 5वें नंबर पे दोस्तों आता है लेनोवो थिंकपैड 15। जबरदस्त है, बड़ा डिस्प्ले अगर आपको चाहिए डेफिनेटली आपने इसके पास देखना चाहिए। 15.6 इंच का FHD+ डिस्प्ले, 250 निट्स ब्राइटनेस आता है, 8GB रैम, 512GB तो है, i5 1235U ये प्रोसेसर आता है, इंटेल आयरिस एक्सी इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड है, विंडोज 11 होम तो सभी में आता है, तो वो मैं बताने नहीं वाला हूं। किसी किसी में फिंगरप्रिंट सेंसर आते हैं, किसी में नहीं आते हैं, लेकिन इसमें लेनोवो थिंकपैड 15 में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलने वाला है, एंड 49,990 इसकी प्राइस है दोस्तों। ऑफर्स में, सेल में वगैरह लोगे तो थोड़ा कम में मिलेगा दोस्तों। सो दिस इज एट नंबर 5, लेनोवो थिंकपैड 15। ऑलराइट, आपको अगर कॉम्पैक्ट थोड़ा चाहिए, 14 इंच का लैपटॉप आपको चलेगा, तो आपने डेल वोस्त्रो 14 के पास देखने चाहिए। बहुत ही सिमिलर स्पेसिफिकेशंस है, 14 इंच की FHD+ स्क्रीन आती है इसके अंदर, एंड वही सेम i5 1235U प्रोसेसर आता है, इंटेल UHD स्पिल रेजिस्टेंट कीबोर्ड है। अगर आप मेरे जैसे हो, कॉफी वीफी गिराते हो, तो यू शुड लुक एट दिस, अच्छा कीबोर्ड है, 1.48 kg का है, तो लाइट वेट भी है, विंडोज 11 आता है साथ में, इसमें MS Office 21 भी आपको मिलता है, टाइप सी चार्जिंग भी है, तो वो आप कर पाओगे, और इसकी प्राइस 48,990 है, तो 49,000 के नीचे आपको मिलता है Dell Vostro 14। वैसे हमने अलग-अलग ब्रांड के अलग-अलग लैपटॉप्स लिए हुए ताकि आपका जो फेवरेट ब्रांड है वो आप बाय कर सको, बट ऑल ऑफ देम आर गुड वंस, टेस्टेड वंस। तीसरे नंबर पे दोस्तों आता है HP लैपटॉप 15S। इसकी बैटरी लाइफ अच्छी है, 7 घंटे के ऊपर बैटरी लाइफ है, बाकी सब स्पेसिफिकेशन सिमिलर है, सिर्फ 15.6 इंच की FHD स्क्रीन है, 250 निट्स ब्राइटनेस है। इसमें ग्राफिक्स कार्ड जो है वो इंटेल आयरिस एक्सी का आता है, i5 1235U वही प्रोसेसर आता है, HD वेबकैम है, बैकलिट कीबोर्ड आता है, एंड एडिशनली विंडोज 11 होम के साथ में आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 21 भी मिलता है, सो दैट इज देयर। 41 वॉट आर की बैटरी आती है, 65 वॉट इसमें भी चार्जिंग है, 7 घंटे की बैटरी लाइफ आपको मिलती है, ये भी 49,990 इसी प्राइस रेंज में। बट याद रखिए दोस्तों, जब भी आप लोगे, अगर सस्ता लैपटॉप देख रहे हो, तो इवन दो इट इज i5, अगर आप 10 जनरेशन या 11 जनरेशन का लोगे फायदा नहीं, 12 जनरेशन, इट मेक्स जनरेशन जो होता है बहुत ही डिफरेंस देता है, परफॉर्मेंस बूस्ट बहुत ज्यादा होता है, तो वो याद रखिए। जनरेशन देखिए, अगर आपने 4th जनरेशन का लिया ना, 5वें जनरेशन का सस्ता मिल रहा है 25,000-30,000 में, डोंट डू दैट प्लीज। अब दोस्तों, वैल्यू फॉर मनी क्वेश्चन में ये वाला लैपटॉप सही में हाई है। मेन स्ट्रीम लैपटॉप कंपनी नहीं है, लेकिन सैमसंग कुछ बहुत अच्छे लैपटॉप्स लॉन्च करता है, फॉर एग्जांपल सैमसंग गैलेक्सी बुक 2, ये दूसरे नंबर पे आता है। एक तो बड़ी स्क्रीन है, 15.6 इंच की FHD स्क्रीन है, 8GB रैम, 512GB स्टोरेज है, इंटेल आयरिस एक्सी कार्ड आता है, i5 1235U वही प्रोसेसर है, बट लाइट वेट है, इसमें भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 21 मिलता है, 43 वॉट आवर की बैटरी है, 45 वॉट चार्जिंग है, हाँ थोड़ा स्लो चार्जिंग है, बट इट इज स्टिल गुड, फिंगरप्रिंट सेंसर आता है, और प्राइस इज द हाईलाइट ऑन दिस वन। जी हाँ, 45,990 में आपको ये मिल रहा है, मतलब 46,000 के नीचे आपको मिल रहा है, सेल में लोगे तो शायद 42,000-43,000 में मिल जाएगा, डेफिनेटली एट नंबर 2 सैमसंग गैलेक्सी बुक 2, दिखने को भी अच्छा। वैसे दोस्तों, पहला नंबर का बोलने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेन स्ट्रीम ब्रांड्स के बारे में मैंने बात की हुई है, और ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सर्विसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लैपटॉप में कुछ खराब हो गया सर्विस सेंटर के पास जाना पड़ता है, तो अगर आपके घर जहां पे आप रहते हो उसके आजू बाजू पास में जो सर्विस सेंटर होगा उसे आप प्रीफर कीजिए, ताकि कुछ भी हो गया तो इमीडिएटली आप जा सकते हो,
हो एंड यू कैन गेट इट रिपेयर्ड क्विकली, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हाँ, अगर लैपटॉप ले रहे हो, इट इज बेटर कि आप जो भी HP का हो, डेल का हो, सैमसंग का हो, उनका जो शोरूम है उधर जाके एक्चुअली देखिए, टच एंड फील कीजिए, टाइप कीजिए कीबोर्ड के ऊपर, देन आपको वो फील आएगा उसका। सो इफ इट ऑल पॉसिबल ऑफलाइन जाके टेस्ट कीजिए, फिर बाद में खरीदिए। वैसे लिंक्स जो भी मैंने लैपटॉप बताए हुए सभी के लिंक्स भी नीचे दे रहा हूँ, यू कैन गो एंड चेक इट आउट ऑनलाइन एज वेल। अब दोस्तों, अभी तक जो भी मैंने प्रोसेसर्स बताए हुए वो 12 जनरेशन के 1235U है। अब ये जो है फर्स्ट नंबर का, वो आता है 1235H इस प्रोसेसर के साथ। यू यानी अल्ट्रा लाइट वेट वगैरह जो होते हैं, लाइट वेट लैपटॉप्स होते हैं पोर्टेबल, उनके लिए होता है। परफॉर्मेंस के लिए H होता है। तो ये परफॉर्मेंस लैपटॉप है, इसमें डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड भी है। मैं बात कर रहा हूं Acer Aspire 7 के बारे में। 15.6 इंच का FHD TFT डिस्प्ले आता है, 250 nits ब्राइटनेस है, 8GB RAM, 512GB SSD स्टोरेज है, बट i5 1245H ये प्रोसेसर आता है, विच इज मच फास्टर देन 1235U, और साथ में डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड GTX 1650 ग्राफिक्स कार्ड आता है। तो आप लाइट वेट गेमिंग वगैरह भी इसके ऊपर कर पाओगे। बैकलिट कीबोर्ड भी है, MS Office 2021 भी आपको मिलता है। ये हैवी जरूर है क्योंकि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, फैन वगैरह होते हैं, थोड़ा हैवी है। 2.1 kg का है, विंडोज 11 होम आता है, 50 वाट आवर की बैटरी है एंड 135 वाट चार्जर, तो फास्ट चार्जिंग भी है, सोचिए। एंड प्राइस 47,990, अंडर 48,000 आपको मिल रहा है। डेफिनेटली परफॉर्मेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये जो नंबर वन का लैपटॉप है Acer Aspire 7, इसके पास आपने देखना चाहिए। दोस्तों, ये बहुत रिसर्च करके, बहुत एफर्ट करके हम ये वीडियोस बनाते हैं, बैक एंड में बहुत टाइम जाता है ये लिस्ट बनाने के लिए। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, कुछ फायदा होता है, लाइक करना मत भूलिए, और जैसे मैंने कहा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। जी हाँ, इट इज वेरी गुड, गुड कर्मा इज ऑलवेज गुड। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।